नमस्कार, मैं शीतल आवाज डेली हर्षित टीवी में आप सबों का स्वागत करती हूं। कोडरमा में पुलिस की कार्यशैली पर फिर से एक बार सवाल उठ खड़ा हो गया है। इस बार तिलैया पुलिस की एक कार्यवाही में हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपी के परिजन और दोनों आरोपी जिसके साथ काम करते थे उनकी पत्नी ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़ा कर दिया है। यही नहीं, पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया गया है। दरअसल तिलैया पुलिस ने 28 दिसंबर को प्रेस नोट जारी कर गझंडी जंगल से गुप्त सूचना मिलने पर दो लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लेने की जानकारी मीडिया को दी थी। पुलिस ने संजय यादव का भी नाम लिया था। अब संजय यादव की पत्नी रजनी मीडिया के सामने आई है और पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। साथ ही पुलिस के साथ सवाल पूछ रही है, क्या है पूरा मामला, क्यों पुलिसिया कार्यवाही पर उठ रहे हैं सवाल। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कोडरमा में पुलिस की कार्यशैली पर फिर से एक बार सवाल उठ खड़ा हो गया है। इस बार तिलैया पुलिस की एक कार्रवाई में हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपी के परिजन और दोनों आरोपी जिनके साथ काम करते थे उनकी पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया है। यही नहीं, पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया गया है। दरअसल तिलैया पुलिस ने 28 दिसंबर को प्रेस नोट जारी कर गझंडी जंगल से गुप्त सूचना मिलने पर दो लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लेने की जानकारी मीडिया को दी थी। पुलिस ने संजय यादव का भी नाम लिया था। अब संजय यादव की पत्नी रजनी मीडिया के सामने आई है और पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। साथ ही पुलिस से सवाल पूछ रही है। संजय यादव की पत्नी ने खुलासा किया कि पुलिस जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक उनके ड्राइवर अजीत और दूसरा उनके साथ काम करने वाले दीपक है, जिसे पुलिस ने 25 दिसंबर को उन दोनों को उनके घर से उठाया था। पुलिस झूठी थ्योरी बनाकर उन दोनों को अपराधी बताकर संजय यादव को माफिया बनाने पर तुली है। संजय यादव की पत्नी ने एसपी पर आरोप लगाया कि उनके पति संजय यादव पर सीसीए और जिला बदर करने के अपने अनुशंसा को सही ठहराने के लिए ये झूठी थ्योरी बनाकर फंसाने और कानूनी रूप से अपराधियों का सरगना बनाने के लिए काम कर रही है। फिलहाल संजय यादव की पत्नी के मीडिया में आने के बाद कोडरमा में संजय यादव की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है। हालांकि इस मामले में पुलिस का पक्ष भी लेने की कोशिश की गई, लेकिन एसपी कोरोना पॉजिटिव है जिसके कारण पुलिस का पक्ष सामने नहीं आ पाई। कोडरमा से विक्की केसरी की रिपोर्ट। जब दरवाजा खोलने के लिए मैंने मना किया और जब तो उस और जब मैंने उन्हें ये भी कहा, ये आश्वासन भी दिया कि आप सुबह आइए, मैं आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगी, मेरे कई बार समझाने के बावजूद मैंने उन्हें ये कहा भी कि मेरे घर में अभी कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं और लेडीज़ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उल्टा मुझे दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाने की धमकी देते हुए वो लोग मेरे घर के अंदर चले आए। और जब मैंने उनसे सर्च वारंट की मांग हम करते हैं तो वो लोग मुझसे भी पूछते कि आप होती कौन है सर्च वारंट मांगने वाली। मैं प्रशासन से ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये क्या तरीका है, मीन्स क्या महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्या घर पे भी वो चैन से, अगर उसके घर में पति नहीं है, उसका पति बाहर काम करता है या उसके घर में कोई इंसान कोई जेंट्स नहीं रहता है, तो या वो इसका मतलब वो घर पे भी सेफ नहीं है। प्रशासन कभी भी बेधड़क उसके घर घुसकर उसके साथ कुछ भी गलत करके निकल सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रशासन है। ऊपर पुलिस को किसने ये हक दिया है वो किसी वो महिला के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। जैसे मेरे ऊपर जैसे पुलिस के एक जवान ने इस बात को मेरे ऊपर कहा है कि आप तुम कितना इज्जत वाली है, इस बात को बोलने का हक उसने किसने दिया, मुझे इस बात पे जांच चाहिए और उस अधिकारी को मैं सस्पेंड करने की मांग करती हूँ और वक्त आने पर मैं उसका नाम भी बताऊंगी। ये होते कौन है जो मुझे मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देंगे। किसी के घर जाता है तो उसमें सारे जेंट्स ही क्यों होते हैं, पर्याप्त लेडीज पुलिस क्यों नहीं होती हैं, और होती भी तो सिर्फ एक जो बिल्कुल ना के बराबर सिर्फ कठपुतली बन के आती है ताकि उन पर ये ब्लेम नहीं लगाया जा सके कि उसके साथ कोई महिला पुलिस नहीं थी, सिर्फ अपना बचाव में सिर्फ वो एक महिला दर्शाने के लिए लेके जाते हैं। मैं कोडरमा एसपी कुमार गौरव सर से एक और लास्ट सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि किसके इशारे पर वो
इस तरह का काम कर रही है, और क्या द्वेष है उनको मेरे पति से? उनकी पत्नी होने के नाते मुझे इस बात का जवाब चाहिए उनसे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मुझे वो ये जवाब दे और इस बात को क्लियर करें। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैंने कल पब्लिक ऐप पे एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें मेरे पति का नाम है और उनके नाम पे एक FIR दर्ज किया गया है और उन दो लोगों को भी पकड़ा गया है, जो एक गजहंडी से हैं और एक है जयनगर थाना से, और एक का नाम है अजीत कुमार यादव जो मेरे ड्राइवर हैं, और एक का नाम है दीपक पासवान जो मेरे साथ काम करते थे। लेकिन इस ये दोनों को पकड़ने का जो उद्देश्य है, पकड़ने का जो ये लोग डेट बता रहे हैं, उन लोगों को दोनों को घर से 25 तारीख को उठाया गया है। दीपक पासवान को उठाया गया है 25 तारीख को शाम को 5:30 बजे, और अजीत को उठाया गया है करीब रात को 12 बजे, ठीक है। लेकिन न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है, न्यूज़ में दर्शाया गया है वो लोग को 27 तारीख को, और उन लोग के साथ जब वो लोग के घर से उठाया गया था तो वहाँ पे दोनों के घर में साक्ष अजीत कुमार के घर में उनकी पत्नी और दीपक पासवान के घर में उनकी बहन थी, जो इस बात की साक्षी है कि उनके साथ कुछ भी, ना कोई हथियार ना कुछ बरामद हुआ है। और जबकि प्रशासन यहाँ ये दिखा रही है, कोडरमा प्रशासन ये दिखाना चाह रही है कि उनके साथ हथियार, मोबाइल और कई तरह के सिम बरामद हुए हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि इस बात में सच्चाई कहाँ है, और यहाँ मेरे पति का नाम क्यों आ रहा है? मेरे पति के ऊपर खुद SP कोडरमा SP ने अनुशंसा किया है DC के पास, उन पे CC Act लगाने का और जिला बदर करने का, और हर डेट में मेरे पति शामिल हो रहे हैं DC कोर्ट में और जवाबदेही के लिए, फिर भी उनको कोडरमा SP फरार घोषित करने के में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि उस न्यूज़ में उन्होंने ये भी दर्शाया है कि वो किसी घटना को अंजाम देने गए थे इन दोनों के साथ। अगर मेरे पति वहाँ थे, मैं तो पूछती हूँ, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों भागने में फरार रह गए? तो ये तो पुलिस की नाकामी कामयाबी किसको कहेंगे ना।